हाय दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में सब सेशन का टेक्निकल ज्ञान, जिसमें मैं बढ़िया तस्वीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपके सब सेशन के कई टेक्निकल वीडियो लेकर आता हूं। तो आज मैं आपको ये ब्रेकर की ऑक्सिलरी स्विच वो कैसे चेंज करते हैं वो आज मैं दिखाऊँगा। पुरानी वाली में कॉन्टैक्ट एयर सभी ख़त्म हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, तो अब मैं ये नई वाली लगाऊंगा। तो ये स्विच कैसे लगाते हैं, इसका वायरिंग कैसा होता है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। तो आइए आगे देखते हैं। पहले ये कनेक्शन खोल लेना है, बाद में यहाँ से मेन शाफ्ट से पट्टी निकालनी है, बाद में ऑक्सिलरी स्विच को निकालनी है। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो हमने ये पुरानी वाली निकाल ली है, आपको ये पट्टी है वो निकाल लेनी है और ये नई स्विच में आपको डाल देनी है। इसमें कॉन्टैक्ट कैसे रहते हैं, मान लीजिए अभी ये ऑफ कंडीशन में है, तो ऑफ कंडीशन में आपके है वो ये वाले कॉन्टैक्ट लगेंगे और क्लोज होता है स्विच तब ये ऊपर होके क्लोज होता है, तब ये कॉन्टैक्ट सामने वाले लगते हैं, तब ये एनओ हो जाते हैं, ये एनसी होते हैं। एक बार ये एनसी होते हैं तो ये एनओ हो जाते हैं। इस ऑक्सिलरी में ऐसे कनेक्शन लगते हैं, पहला ये चारों कॉन्टैक्ट है वो आपका क्लोजिंग का रहेगा, ये चारों कॉन्टैक्ट आपका ट्रिपिंग का रहेगा, ये आपका इंडिकेशन का रहेगा, यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशन का रहेगा, यहाँ है ऑन का, यहाँ ऑफ का, और यहाँ नीचे एक कॉन्टैक्ट होता है वो ऑटो ट्रिप का रहता है, और ये चार कॉन्टैक्ट है यहाँ नीचे दो ऊपर तीन, वो स्पेयर रहते हैं। तो आपका ये कॉन्टैक्ट कोई भी बंद होगा तो आप ये स्पेयर कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। ऊपर यहाँ K5 होता है, जो सामने आपका
के 15 हो जाता है जो कि क्लोजिंग का रहता है, यहाँ पे के 19 होता है, यहाँ पे के 21 होता है जो कि लिंक होती है। तो यहाँ से के 21 एक निकलता है, यहाँ के 19 होता है, नीचे के 23 होता है जो कि ट्रिपिंग के कांटेक्ट रहते हैं। यहाँ L1 जो पॉजिटिव L1 रहता है, यहाँ पे L5 L3 रहता है जो कि ऑन और ऑफ का इंडिकेशन होता है। तो आपके ऑन ऑफ इंडिकेशन यहाँ ऑक्सिलरी स्विच से आएंगे और यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहता है K1 L1 और यहाँ पे एक नीचे L1 होता है, यहाँ पे L7 होता है जो ऑटो ट्रिप का होता है। तो यही कनेक्शन आपके यूज में होते हैं। और आपका क्लोजिंग का है कि यहाँ पे K11 नीचे रहता है और यहाँ पे K13 होता है जो कि क्लोजिंग कॉइल पे जाता है, और K21 होता है डायरेक्टली आपके ट्रिपिंग कॉइल पे जाता है। यहाँ पे K19 आता है और K23 आता है। K19 वो आपका ट्रिपिंग का रहता है, यहाँ पे ट्रिपिंग आएगा, ये NO होगा तो ओला NC होगा तो आपका K21 से वो आगे जाएगा। तो आगे हम कनेक्शन करके देखते हैं। ये पट्टी हमने लगा दी है और यहाँ पे हम ये लगा देंगे। यहाँ पे हमें मेन शाफ्ट पे भी लगा दी है पट्टी। फिर आपको ये नट बोल्ट है कस लेने हैं, बाद में आपको कनेक्शन कर लेने हैं। यहाँ पे A5 के 2 आएंगे कनेक्शन, लेकिन पहले हमें नीचे वाला लगा लेना है K11। नीचे यहाँ पे फर्स्ट पे K11 आएगा। बाजू में नीचे के 23 आएगा। बाजू में शॉर्ट लिंक आएगी K1 की L1 इंडिकेशन का। इसको फुल टाइट कर लीजिए। आपके ऊपर के 5 आएंगे। ये क्लोजिंग का है।
ये आपका बाजू में के 19 आएगा जो कि ट्रिपिंग का है। और बाजू में लिंक और के L1 आएगा। इस साइड नीचे के 13 आएगा क्लोजिंग का। यहाँ पे 21 आएगा शॉर्ट लिंक के साथ। यहाँ पे नीचे शॉर्ट लिंक और 21 आएगा। यहाँ पे 15 आएगा। यहाँ पे नीचे L3 आएगा ऑफ इंडिकेशन। यहाँ पे ऊपर L5 ऑन इंडिकेशन। यहाँ पे बाजू पे नीचे ऑटो ट्रिप का L7 आएगा। यहाँ पे L7 और यहाँ पे L1 आएगा और बाकी के है वो आपके स्पेयर कॉन्टैक्ट रहेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्शन लगा दिए हैं और हमारी ये नई ऑक्सिलरी स्विच रेडी है जो कि हमने यहाँ इसकी शाफ्ट के साथ ऑपरेटिंग पट्टी लगा दी है। इसके नट बोल्ट कस लिए और कनेक्शन कर लिए। अब हम इलेक्ट्रिकली इसको चेक करेंगे इनर में ब्रेकर लगा के टेस्ट पोजीशन। यहाँ पे हमने ब्रेकर टेस्ट पोजीशन के ले लिया है। हम स्प्रिंग चार्ज करेंगे और ऑन ऑफ देख लेंगे। क्लोज हमारा इंडिकेशन भी आ रहा है। तो ये हमारा वायरिंग कनेक्शन ऑक्सिलरी में कंप्लीट है। इलेक्ट्रिकली कंप्लीट वर्क कर रहा है। तो ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। प्रैक्टिकली मैंने दिखाया ऑक्सिलरी स्विच कैसे चेंज करते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पार्ट में इसका वायरिंग का ड्रॉइंग भी लगा दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।